नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 11 वर्सेस Vivo Y33s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 11 में 6.47 इंच जबकि Vivo Y33s में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Note 11 में 3.02 इंच जबकि Vivo Y33s में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 11 में 0.31 इंच जबकि Vivo Y33s में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 11 में 184.5 ग्राम्स जबकि Vivo Y33s में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। Any ideas? तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 11 में AMOLED जबकि Vivo Y33s में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 11 में 6.7 इंचेस जबकि Vivo Y33s में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 11 में 1080x2400 और Vivo Y33s में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 11 में 86.06% जबकि Vivo Y33s में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 11 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y33s में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 11 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Vivo Y33s की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y33s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 11 में Mali G52 MC2 जबकि Vivo Y33s में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 11 में MediaTek Helio G88 और Vivo Y33s में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 11 में 4GB जबकि Vivo Y33s में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 11 में 64GB जबकि Vivo Y33s में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 11 में अप टू 512GB जबकि Vivo Y33s में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 11 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Vivo Y33s की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Note 11 में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y33s की तो उसमें 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Realme 7 है, तीसरा Vivo Y20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।